नमस्कार, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। झांसी जिले में थाना व कस्बा समथर नगर के पंडोखर रोड स्थित एक विवाह घर में पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गांव की बूथ कमेटी तैयार कर 2022 के चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने उपस्थित लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी पात्र लोगों को मतदान सूची में शामिल कराने और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से प्रत्याशियों को विजयी बनाए, जिससे 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ सके। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार आम जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही। गरोठा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चला रही है, उन योजनाओं का लाभ बड़े किसानों को ही मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, कामगार जब सब मिलकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो सभी वर्गों, धर्मों के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजनाएं सरकार प्रदेश में चलाएगी। समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक युवा लोगों को रोजगार दिलवाएगी। विधायक जी, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया वो कहाँ पे और किस जगह पे किया गया? कार्यकर्ता बैठक हम लोगों ने की है, क्योंकि चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है और मतदाताओं के बढ़ने घटने का काम प्रारंभ है इस समय निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसलिए हम लोगों ने बस्ते गांव में सभी प्रमुख साथियों को दिए हैं कि एक बार वोटर इसका निरीक्षण करें और जो लोग मतदाता छूट गए उनको छुड़वाने में सहयोगी बने। वही वो राजनीतिक बातें जिन लोगों पर हम समाजवादी पार्टी लड़ना चाहते हैं वो गाँव तक पहुँचे, वो सारी बातें बीच व्यक्ति है। वर्तमान सरकार के फैसले और समाजवादी सरकार के फैसलों में क्या फर्क है ये जनता महसूस कर रही है। आज अखिलेश यादव की सरकार थी तो वृद्धाओं को पेंशन मिल रही थी, कन्या किसानों की बेटियों कन्या विद्याधन मिल रहा था, नौजवानों को लैपटॉप मिल रहे थे। कोशिश हो रही थी बजट का 70% पैसा गाँव पर खर्च हो। अब आवास की योजना भी देखो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर योजना बनती है, उसमें कुल 125,000 रुपये पात्र लाभार्थी को मिलते हैं, जिसमें एक अच्छा मकान नहीं बन सकता। लेकिन अखिलेश यादव जो योजना लेकर लोहिया आवास लेकर आए थे, इसमें 3 लाख से अधिक पैसा मिलता था। कम से कम आवास ऐसा बने इसमें लोग रह सके, उसके जीवन को बदला जा सके। तो मैंने कहा जो कुछ स्थिति बांध बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं दे रहे थे, अगर मोड में ट्रामा सेंटर है तो वो पुरानी सरकार अखिलेश यादव की सरकार के समय हम लोग कुछ के द्वारा है। अगर समथर को PSC को CSC में तब्दील किया तो समाजवादी सरकार में हुआ था। कोरोना काल में जिस तरह लोगों की जाने गई ऑक्सीजन के अभाव में, इतनी निर्दयता तो कभी अंग्रेजों के समय नहीं हो पाई। भाई आपके हाथ में देश है, आपके हाथ में प्रदेश है, लोगों के पैसे से लोगों की जान बचाने की कोशिश होनी थी, उसमें भी इतनी कोताही और लापरवाही बरती गई कि हजारों लोग हमारे परिवारों पर चले गए। मैं कह सकता हूँ जनता में आक्रोश है, वहीं किसी भी फैसले से राहत नहीं मिली है। आज भी जिस तरह का रवैया है, अगर सरकार थोड़ी भी कोई योजना लाने की कोशिश करती है तो मेहरबानी और दिखाने की कोशिश हो रही है। प्रचार पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है मदद से ज़्यादा लोगों की। मैं कह सकता हूँ जबरदस्त निराशा है लोगों में और उत्साह है समाजवादी पार्टी के प्रति। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, समाजवादी सरकार बने और एक बार फिर गरीबों को रास्ता तरक्की का मिले, गाँव तरक्की की तरफ जाए। ये कोशिश समाजवादियों की है, आगे भी कोशिश यही रहेगी। तो विधायक जी, 2022 में क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आने वाली? बिल्कुल, अगर आप अभी भी देखेंगे 2-3-4% वोट के फर्क से हार गए थे हम लोग। अलायंस के बाद अलायंस के वोट को जोड़ते तो हम लोग लगभग 30% थे और 33% पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तमाम नई बातें लेकर आए थे, तमाम कर्जा माफ कर रहे थे, गरीबी हटा रहे थे, गरीबों को आगे बढ़ा रहे थे, किसान को 1.5 गुना मूल्य दे रहे थे। हर मुद्दे पर विफल हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान करके लड़ाकर, गरीबों की भावनाओं से खेलकर, ये झूठी कामयाबी बहुत दिन तक नहीं चलती। मैंने कहा लोगों में जबरदस्त निराशा है, लोग समाजवादी पार्टी की तब देख रहे हैं। और हमने कहा कि अखिलेश यादव की सरकारी कोशिश थी कि बजट का एक एक पैसा, जो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है, वो लोगों की तरक्की के साधन बने, लोगों की तरक्की वजह बने, और वही कोशिश फिर शुरू होगी।